नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से। और आज हम देखने वाले हैं, देखो मैं प्ले करके दिखाता हूं, तो ये कैसे किया जाए। ठीक है, सो बेसिकली हम यहां पे एनिमेशन देख रहे हैं। ठीक है, और ये एनिमेशन है एक 3D मॉडल का। मैं आपको पहले मॉडल दिखा देता हूँ। ओके, अब मैं इसका यहाँ पे पेल्विस सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट आई सेलेक्ट दिस पेल्विस, ताकि मैं आपको रोटेट करके दिखा सकूँ। ठीक है, तो ये एक मॉडल है और मॉडल के अंदर बायपैड है। तो बायपैड क्या चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बायपैड जो 3D Max में मिलता है, अपने को बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं 3D Max में कि जो लोग अभी भूल चुके हैं या उसको यूज़ नहीं करना चाहते या थोड़ा टीडियस प्रोसेस माना जाता है, तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर अपने को कोई 3D मॉडल्स को चलाना है, भगाना है या कोई ऐसे एनिमेशन दिखाना है तो वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 3D मॉडल है, ये आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको रेडीमेड मिलेगा। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। उस वेबसाइट का नाम है, ये देखो, ये वेबसाइट का नाम है renderpeople.com। आप जैसे यहाँ पे जाओगे renderpeople.com में, तो यहाँ पे है फ्री मॉडल्स। ठीक है, और ये देखो, ये कुछ 3D एनिमेटेड लोग हैं, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, आपके वॉक थ्रू के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया 4D पीपल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री है। और जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो है रिग्ड पीपल। ठीक है, तो रिग्ड पीपल होने से क्या होता है, हम उसमें कुछ भी एनिमेशन दे सकते हैं, लिटरली कुछ भी, जैसे ये डांस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ना, वो सब वही है एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ से क्लिक करो डाउनलोड, तो सारे तीनों मॉडल्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ पे वापस रीसेट कर लेता हूँ ताकि शुरू से दिखा सकूँ। मैं यहाँ से करता हूँ रीसेट। अब मैं फाइल ओपन करता हूँ जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आई विल गो टू डाउनलोड्स, यहाँ पे ये देखो, कुछ ऐसा फोल्डर में, मतलब जो आप डाउनलोड करोगे तो इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये जो मेरी फाइल है, ये मैंने क्लास करके इसको सेव किया हुआ है, आप इसमें से जो चाहिए वो इस्तेमाल कर सकते हो। आई विल टेक दिस वीरे, ओके। और याद रखो, ये जो टेक्सचर वाला जो फोल्डर है ना, इसको भी कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। कस्टमाइज में आ जाओ, कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट पाथ में आ जाओ, और यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल्स में यहाँ पे वो पेस्ट कर दो, ताकि जो उसका टेक्सचर है ना वो इंटैक्ट रहेगा। ओके, सो लेट्स आई गो बैक टू डाउनलोड्स। सो अगर आपको रियलिस्टिक वॉक थ्रू सीखना है, रियलिस्टिक ह्यूमन एनिमेशन, रियलिस्टिक वाटर एनिमेशन, रियलिस्टिक कार एनिमेशन, रियलिस्टिक ट्रीज एनिमेशन, वो आर्किटेक्चरल के लिए, आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए, सो मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में सिखाऊंगा, जिसमें 3D Max, V-Ray और Chaos Vantage कंबाइंड रहेगा, जिसमें हम एंड रेंडरिंग करेंगे। बट ये सारा चीज़ होगा जिसमें हम पूरी तरह से एनिमेशन सीखेंगे, वॉक थ्रू सीखेंगे, हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारा वॉक थ्रू के ऊपर। उसमें बेसिक रेंडर्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, एक मूवी बनाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो अगर आपको वो सीखना है, पूरे डिटेल में सीखना है, तो मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, तो उसमें आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो स्विच बैक टू द टॉपिक। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आई विल से ओपन। मैं पहले आपको मॉडल शो कर देता हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़, यहाँ पे इसी को रिग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो रिग मॉडल बेसिकली क्या होता है, हम इसी को एनिमेट कर सकते हैं पूरी तरह से। हम इसमें फूड स्टेप्स भी लगा सकते हैं, मतलब खाली चलना रहेगा तो हम इसको फूड स्टेप लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मैं हर वक्त ना ये पेल्विस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, हमेशा हम बायपैड में जहाँ पेल्विस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं उसको, अगर आपको आँखों का एक्सप्रेशन चाहिए। सो लेट्स से ये देखो, ये ऐसे कर सकते हैं, राइट। फिर ये आईब्रोज है, अगर आई लीड्स हैं, ये ऐसे ऐसे करना है, ये ऐसे करना है ना, तो वो कर सकते हैं।
बट अभी लेट्स से मैं अभी यहाँ पे इसमें मोशन दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा क्लिक करने से कोई काम नहीं है, ऐसे कहीं पे भी क्लिक करने से कोई काम नहीं है, आपको ऐसे पेल्विस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ा पार्ट होता है बाईपैड पेल्विस, देखो ये ऐसे होवर कर दो तो आता है बाईपैड पेल्विस करके, ठीक है। फिर आपको जाना है मोशन में, ठीक है। मोशन में जैसे आप जाओगे देखो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, तो ये बाईपैड ओपन कीजिए। तो बाईपैड में मैं फुटस्टेप के बारे में जो बात कर रहा था, ये फुटस्टेप्स है, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो फुटस्टेप्स क्या चीज़ है, क्योंकि पहले पहले जो हम 3D Max में काम करते थे ना, तो ऐसे फुटस्टेप्स से ही हम लोगों को चलाते थे, क्योंकि उस वक्त हमको कोई ऐसा थर्ड पार्टी में से कोई चलने वाला वगैरह दौड़ने वाले ऐसे कोई लोग अवेलेबल होते नहीं थे, तो हम यहाँ पे खुद की लाइब्रेरी बना के रखते थे, ठीक है। बट अभी क्या होता है, अभी हमारे पास ना मतलब इतने सालों में बहुत सारा बायपैड का फाइल्स अवेलेबल है, ओके। तो मैं आपको वो साइट दिखा देता हूँ, ऑटोडेस्क के साइट पे जाइए, और ऑटोडेस्क के वेबसाइट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे है 3D Max सैम्पल फाइल्स, ठीक है। तो सैम्पल फाइल्स में अगर आप क्लिक करोगे यहाँ से, तो डायरेक्टली आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। तो उसमें बायपैड भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या तो गूगल में डाल दो बायपैड फाइल्स डाउनलोड वगैरह, तभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वो आप डाउनलोड कर लो, और वो डाउनलोड करने के बाद यहाँ देखो फोल्डर है लोड फाइल करके, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओपन। तो ओपन करने के बाद ये ऐसे कुछ ये ऐसा आएगा 3D Max बायपैड मोशन फाइल करके, ओके। सो दिख रहा है ना, देखो ये कभी का फाइल है, 2005 का फाइल है, ठीक है। मतलब ये है बहुत पुराना चीज़, बट यहाँ पे ना अगर हमने उसको इफेक्टिवली आर्किटेक्चरल पर्पज़ के लिए थोड़ा थोड़ा जहाँ पे वॉक थ्रू अपने को बनाना है, मूवमेंट चाहिए लोगों को, तो अगर अपना बजट नहीं है थर्ड पार्टी का प्लगइन लेकर, या Anima XYZ का प्लगइन लेकर उसको चलाना अपने को बजट नहीं है, तो आप ये इससे काम आपका चला सकते हो, और वो भी प्रोफेशनल दिखेगा, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ से जॉग मेरे उसमें देखो इतने सारे फाइल्स हैं, देखो ओके, डांस वांस किक्स विक जो भी है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं जॉग में जाता हूँ, ठीक है, और आपको खाली ओपन करना है, दैट्स इट। तो जैसे आपने ओपन कर दिया, तो देखो ये आप प्ले करके देखोगे तो एकदम फ्लूइड मूवमेंट आ जाता है। बोन को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से बोन को हाइड कर दिया मैंने, शेप्स को हाइड कर दिया। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ से प्रॉपर आ रहा है मूवमेंट, कहीं भी लग नहीं रहा है कि ये एकदम नेचुरल मूवमेंट है, ठीक है। तो अभी इसको लूप में कैसे डालेंगे, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, मैंने भी यूज़ किया हुआ है यहाँ से लूप। अगर आप ग्राफ एडिटर में जाते हो, कर्व एडिटर में जाते हो, आई विल गो टू एडिट कंट्रोलर, ओके। तो यहाँ से आउट ऑफ रेंज मत कीजिए, आपको लगता होगा क्यों मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार दिखाई देता हूँ। लेट्स से यहाँ से अगर मैंने ऐसे कर भी दिया, ठीक है, ये देखो ये ऐसे लूप में सेलेक्ट करके, ये दोनों सेलेक्ट करके मैं लूप कर भी दिया, ये देखो हो रहा है क्या प्ले, ठीक है। वो अपना नॉन बायपैड नॉन बोन ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कोई कंट्रोलर नहीं है, एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसके लिए वो काम आता है, बट इस चीज़ में ये काम नहीं आता, ओके। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसके लिए अपने को बायपैड के अंदर ही ऑप्शन है, उसमें काम करना पड़ता है। इसके लिए मैंने आपको बोला वहाँ से मत कीजिए। सो लेट्स से मैं वापस मोशन में आ गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मोशन फ्लो मोड में, ओके, यहाँ पे नहीं, मिक्सर मोड में नहीं करना है, मोशन फ्लो मोड में क्लिक करना है के, यहाँ से क्लिक करना है, ओके, मोशन फ्लो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो ग्राफ, ओके, यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट क्लिप। अभी हम दो तीन क्लिप कैसा रेडी कर सकते हैं, बट अभी क्या करेंगे, इसी क्लिप को हम लूप करेंगे, ठीक है, जो ये जॉगिंग का रहेगा वो। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करना है, ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, मैं वापस दिखाता हूँ, राइट क्लिक करना है, और यहाँ से ब्राउज पे करना है क्लिक, और मैं यहाँ से लेता हूँ जॉग,
जो भी रहेगा यहाँ से मैं वो ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंड फ्रेम इसका 52 आ रहा है, ठीक है, और से ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो भी क्लिप रहेगा उसका नाम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक ये करता हूँ क्रिएट ऑल ट्रांजिशन, जैसे आप ये करोगे ट्रांजिशन विल बी क्रिएट फ्रॉम ईच सिलेक्टेड ओके टू एवरी अदर सिलेक्टेड क्लिप, डू यू वॉन्ट टू क्रिएट ट्रांजिशन फ्रॉम ईच सिलेक्टेड क्लिप, येस। देखो ये ऐसे अंदर यहाँ पे एरो आ गया, ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे गोल इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर यहीं से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको बंद नहीं करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है डिफाइन स्क्रिप्ट, ओके। फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे डिफाइन स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे क्लिक करना है ओके, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, तो रेड हो गया। वापस क्लिक करेंगे सेकंड, देखो 31 आ गया यहाँ पे। जैसे क्लिक करते रहोगे, ठीक है, तो वैसे ये ऐड होते रहेगा। तो नीचे देखो ये फ्रेम्स भी ऐड हो रहा है नीचे, तो जैसे ही देखो मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देखो ना, मैं ऐसा क्लिक कर रहा हूँ तो ऐड ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे तो देखो मैं जैसे ही यहाँ पे प्ले करूँगा ना, तो कौन सा क्लिप प्ले हो रहा है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं अभी यहाँ पे प्ले करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके पूरा लूप आ रहा है बराबर। तो मतलब अगर समझो आपका कोई भी वॉक थ्रू है, साइड में पाथवे है, वहाँ पे आपको दिखाना है, तो ये जो बंदा है, बंदी है, वो वहाँ से दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा। और बाय द वे, अगर आपको वॉक थ्रू एकदम